Psychopath's crime doesn't have any motive. Crime itself is his motive. जल्दी चल। सूरज, मुझे बहुत डर अभी जब सूरज क्लास के बाद आएगा ना तो उसके कार में बैठने से पहले उसका नंबर ले ले। जल्दी जा ना। अरे पर मैं कैसे जाऊं? अरे जा ना, इधर आ। ये ना कल बहुत लेट पहुंची थी, क्लास खत्म होते ही सीधा इसे घर ले जाना होगा। अरे जाना जल्दी जा। अरे जा तो जा। सूरज, हाँ? तुम्हारा डांस देख रही थी। अच्छा, कोई नए डांस की प्रैक्टिस हो रही थी क्या? हाँ एक्चुअली तुम्हारा नंबर, हाँ ले लो 97। हाँ ठीक है, ओके। मिला ना, तेरा नसीब तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना दिव्या कहाँ दिव्या कहाँ चली गई? चल ना, चल जल्दी चल, चल जल्दी कर। दिव्या को देखा क्या? नहीं तो। दिव्या को देखा क्या? नहीं देखा। पहले लगा बाहर किसी से बात कर रही होगी। कल उससे लेट होने का कारण पूछा तो कहा फ्रेंड से बात कर रही थी। आज भी मैंने उसे बहुत ढूंढा। दिव्या को डांस स्कूल ज्वाइन किए 1 हफ्ता हो गया है ना, और दिव्या के स्कूल का वहां कोई भी नहीं है। फिर कौन है वो दिव्या का फ्रेंड? उसके दोस्त से तुम मिली हो? नहीं, कल उससे पूछा था तो उसने कहा था। कीर्ति, अभी मैं जो पूछने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो और उसका सही सही जवाब दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? दिव्या ने अपने फ्रेंड की उम्र के बारे में कुछ बताया था? वो उसके दोस्त को भाई, अंकल, आंटी, दीदी या किसी और नाम से बुलाती थी क्या? नहीं, मुझसे कहा कि नया दोस्त है बस। रितिका, सर मेरा साला बहुत टेंशन में। यू हैव टू फाइंड हर रितिका, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को हैंडल करो। आई डू माय बेस्ट सर। गुड लक। लो, हर एक सेंटर को एक COV अलर्ट भेजना है। ट्रैफिकिंग, सक्सेस होल, रैंसम, किडनैपिंग और माफियाओं को मिलाकर एक वाइड सर्च करनी है हमें। अगर अगले 48 आवर्स में वो हमें नहीं मिली तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग वी माइट नॉट फाइंड हर अलाइव। लेट्स मेक इट क्विक। ओके मैम। हेलो कंट्रोल रूम, सबसे कह दो कि आगे बढ़ो। अरे रे पास कर। मुझे क्या कर रहा है? इधर जल्दी जल्दी क्या कर रहा है? बॉल ले। अरे यार क्या यार मार दिया, कमाल है यार। जा बॉल लेकर आ, जा जाकर बॉल लेकर आ। अब जा बॉल लेकर आ। मैं ही जाऊं, जाता हूं। जो लड़के यहाँ खेल रहे थे उन्होंने ही पहले बॉडी को देखा था। ACP मैम भी आने वाली है अपनी पूरी टीम के साथ। फोरेंसिक वालों का क्या अपडेट है? उन्होंने कहा कि ऑन द वे है। ओके। हटे 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 हटे। बच्ची की लाश देखी थी। वो बच्ची अलापुरा के सब कलेक्टर के रिश्तेदार की बेटी है। एसीपी और उनकी टीम स्पॉट पे पहुंच चुकी है। सब कलेक्टर राहुल नाथ न्यूज चैनल में काफी सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने इसकी जल्द से जल्द जांच करने की मांग की है। उस दिव्या दिवाकर केस का क्या हुआ? ये उसी केस की फाइल है सर। 5 साल की बच्ची के किडनैप होने के बाद भी उसके घर वालों को कोई रैंसम कॉल भी नहीं आया, मगर सब कलेक्टर राहुल के साले की बेटी को मार डाला। देखिए, ये उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है। शामनाथ सर ने ही ऑटोप्सी की है और जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में पेट के नीचे 42 मिलीमीटर का एक लैटरल स्टैब भी है। हो सकता है कि वो वेपन हमारे किचन में यूज होने वाले नाइफ की तरह हो। काफी खून बह गया और इस बच्ची की मौत हो गई। और फिर कल कार्डियो सर्कल से एक और बच्ची की बॉडी मिली है। उसका पोस्टमार्टम भी शामनाथ सर ने ही किया है। रिपोर्ट तैयार करते समय उन्हें डाउट हुआ था, तब उन्होंने हमें कॉल किया। 5 साल की बच्ची है। मौत का कारण दिव्या की तरह ही है। रिब केज के 10 सेंटीमीटर नीचे अप्रॉक्सिमेटली 42 मिलीमीटर गहरा सिंगल एज्ड वेपन से किया गया एब्डोमिनल स्टैब है। दोनों केस में संबंध? रिलेशन सिर्फ यही है कि दोनों बच्चियां अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं सर। बट सर, मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये कहता है कि ये दोनों ही हत्याएं एक ही वेपन से हुई हैं और एक ही आदमी ने किया है। यस सर, वी माइट बी लुकिंग एट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइम। इस केस में सब कलेक्टर राहुल नाथ भी इन्वॉल्व है। हम बस इसी आधार पर इस केस को ओपन नहीं कर सकते हैं। नो, तुम इसकी जांच कर सकती हो, बट कीप इट क्वाइट। किसी भी वजह से हम किस एंगल से जांच कर रहे हैं ये मीडिया को पता ना चले। श्योर सर, आई कैन ट्राई टू कीप इट क्वाइट, बट इस केस की डिटेल ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और ये जो कनेक्शंस हमने बनाए हैं वो जानना रिपोर्टर्स के लिए बड़ी बात नहीं है। और अगर ये लीक हो गई तो हर न्यूज चैनल में ये प्राइम टाइम न्यूज होगा। त्रिवेंद्रम सिटी में एक सीरियल किलिंग हो रही है। There's one more thing, sir. Yes. मुझे फोरेंसिक टीम से एक मेंबर फुल टाइम के लिए चाहिए। देखो रीतिका, ये अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन है। एफआरसी डिपार्टमेंट के 8 मेंबर्स को रखकर इस जिले के 100-200 केसेस को मैनेज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हम एक ही व्यक्ति को इस केस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, पर शायद तुम उसके साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी। अपना मेडिको लीगल एडवाइजर सैमुअल जॉन कट्टुकरण। ऑफिस से आने के बाद मैं और मेरी बीवी डिनर करके सो गए। रात को दरवाजा तोड़ने की आवाज सुनी तो आंखें खुल गई। मैंने देखा कि मेरी वाइफ के सर के पास एक आदमी हाथ में रॉड लिए हुए, चेहरे को मास्क से ढके हुए खड़ा था। मैं ये बात तुम्हें 100 बार बोल चुका हूँ। आई ट्राई टू ब्लॉक हिम, लेकिन उसने मुझे पकड़कर मेरे सर को दीवार पे दे मारा। फिर मैं बेहोश हो गया। होश में आने के बाद देखा लतिका मरी पड़ी हुई थी। घर में चोरी भी हुई थी। एंड दिस इज माई स्टेटमेंट। आपकी वाइफ ने 3 बार केस फाइल किया था डोमेस्टिक अब्यूज का। मैंने ही उसे सेटल किया था, वो भी आपके लिए। लेकिन सर, अभी आप जो कहानी सुना रहे हैं वो झूठी है और यह बात हम दोनों को पता है। तो फिर उसे साबित कर दो। चलो साबित करो कि मेरी ये टेस्टिमोनी झूठी है। या तो तुम इसे साबित करो या कोई पुख्ता सबूत है तो बताओ, और अगर नहीं है तो इस क्वेश्चनिंग के बाद मैं तेरा सुपीरियर रहूंगा और तू मेरा सबऑर्डिनेट रहेगा। देखा ना सर, अब ये हमसे प्रूफ मांग रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोषी है। इसके माथे पे जो घाव है ना, वो खुद बनाया है या किसी ने मारा है, ये लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट से पता चल जाएगा। उसका बाईपास हो चुका है, उसके हार्ट में पेसमेकर डाला हुआ है, समझे? हम उसका लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इस समय फिजिकली अनफिट है। डॉक्टर का सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश कर चुका है। मजबूर हैं हम। मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आज तुम ड्यूटी पे नहीं गए क्या? हाँ, बैठे बैठे बोर हो रहा था तो पुरानी केस फाइल देख रहा था। मैं अभी आता हूँ। आप बहुत हाँप रहे हो सर। नहीं, ये पेसमेकर है या आईसीडी है? आईसीडी। अरे बैठिए ना सर, बैठिए। वैसे ये कहाँ से इंप्लांट किया है? लिसी हॉस्पिटल। सर ऐसा लगता है अभी लाइट डिटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों? आइजैक सर ने खुद ही अपने खर्चे से एक लाइट डिटेक्शन अपनी बॉडी पर इंप्लांट किया है। सर की हार्ट बीट कॉन्स्टेंटली उस पेसमेकर में रिकॉर्ड होती है। मर्डर के वक्त सर की हार्ट बीट एक सोते हुए इंसान की हार्ट बीट की तरह नॉर्मल थी। अब एक कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल जब क्राइम करता है उस वक्त उसकी हार्ट बीट जैसे तेज होती है वैसी थी कि नहीं? तभी पता चलेगा कि एसपी आइजैक सर का स्टेटमेंट सच है या झूठ है। पीजिए सर। हेलो राजीव सर। ओके ठीक है, मैं कल ही आ जाता हूं सर। ओके अच्छा सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है? किसी के पास AWM है क्या? अरे अनुज, तुम्हारे पास तो AWM है ना? आहा, लगता है गेम खेलकर आज भी लेवल क्लियर नहीं होने वाली। अरे वो लोग ठीक से नहीं खेलते, और जुबेन और उसकी टीम के बिना खेलने का मजा नहीं है। आज लगता है उसे स्कूल से कोई होमवर्क मिला होगा। अरे आज इतनी जल्दी? हाँ, अभी कुछ दिन हेडक्वार्टर में ड्यूटी नहीं है। नया केस आया ना। जेवियर कहाँ है? वो सुनील के साथ सारे बर्तन लेकर खेत पर गया है। इस एपिसोड में हमारी एक स्पेशल प्रिपरेशन है, बहुत ही टेस्टी मटन। गोट टमेटो अनियन सब मिक्स करके एक रेसिपी बनाई है, एंड इट्स रियली टेस्टी यमी। जेवी एक मिनट आओ। हाँ सुनो, अच्छा, मैं तुम्हें अलग से देता हूँ। पहले बुजुर्गों को खाते हुए शॉर्ट्स लेते हैं तो व्यूवरशिप ज्यादा मिलेगी। दादाजी जेवी। हाँ अरे देता हूँ ना, इतनी जल्दी क्या है? नहीं चाहिए। अच्छा ये देख रहा हूँ, तुमसे कुछ कहना है मुझे। जरा पकड़ो इसे और क्लोज शॉट लेना। ग्रेजुएशन पूरा होते ही मेरा बहुत सारा टाइम निकल गया, मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। हाँ अभी मेरी एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन टीम में पोस्टिंग हुई है। हाँ यहाँ त्रिवेंद्रम में है। एक नंबर। टीम लीड कौन कर रहा है जानते हो क्या? कौन? रितिका ज़ेवियर IPS। थैंक यू रिचा, तुम लोगों ने उन सब का स्टेटमेंट ले लिया? सबसे पूछताछ कर लिया मैडम। लेट्स सी, वो सैमुअल काटुकरन है क्या, मेडिको लीगल एडवाइजर? कमिश्नर का रेकमेंडेशन है। विल सी, मैंने फोरेंसिक से एक इंटर्न देने की रिक्वेस्ट की थी, देखते हैं। सैमुअल, टू थिंग्स, एक, इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं हूँ और तुम मेरे मेडिको लीगल एडवाइजर हो, दैट्स योर रोल। उसके अलावा किसी और चीज़ में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एंड टू, अगर कोई मीटिंग अरेंज होती है तो यू गोइंग टू बी ऑन टाइम, ओके? ओके। नाउ गो। दिव्या जब यहाँ से गायब हुई थी तो पेरेंट्स के अलावा 30 गाड़ियाँ यहाँ पे अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए खड़ी थी, पर यहाँ से गाड़ियों के आने जाने का बस एक ही रास्ता है और वो ये मेन गेट ही है ना? जी मैडम। गेट से 200 मीटर आगे जाएंगे तो वहाँ यूनियन बैंक का ATM है। यस मैम। वहाँ की फुटेज ली है तुमने? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम, दिव्या को कार से बाहर लेकर गए ही नहीं। ऑटोप्सी के बाद वाली पोस्ट एग्जामिनेशन में दिव्या के क्लोथ से 3 फॉरेंसिक सैंपल मिले थे। बारिश में पाई जाने वाली जो काई होती है वो, फिर वाइट एस्बेस्टस का पाउडर और उसी के साथ साथ सीवेज वाटर के ड्रॉप्स। उसके अलावा दिव्या के कुर्ते में क्रॉस शेप्ड के मार्क्स थे, मतलब डांस क्लास के बाद यहाँ से जाते वक्त इस फेंस से लगकर हुआ होगा, क्योंकि कुर्ते के राइट शोल्डर में थे वो मार्क्स। देखिए यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, इसलिए वो इस छोटे से रास्ते से ही चलकर गई होगी। देखिए, पेड़ की डाली खिसने के बाद जो व्हाइट एस्बेस्टस का पाउडर गिरा, दिव्या के ड्रेस पर भी वही व्हाइट एस्बेस्टस पाया गया। और जो मैंने आपसे कहा था ना कि दिव्या के ड्रेस पर जो काई पाई गई थी वो यहीं से लगी होगी। दिव्या के ड्रेस पर जो सीवेज वाटर के ड्रॉप्स पाए गए थे वो यहीं के होंगे। और फिर उसके बाद इस नैरो पैसेज से दिव्या उसके साथ गई होगी। यस। कितने कॉल्स किए तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे? हेलो। क्या है सैम, वेयर द हेल आर यू? मैम, मैं यहाँ लैब में हूँ। आज ही वेस्टमोर हॉस्पिटल में जाकर वो साइकोलॉजिस्ट का लेटर लेना है। एंड वन मोर थिंग, मैंने एक और मेंबर को अपनी टीम में ऐड किया है एंड शी विल बी वर्किंग विद यू एज अ फोरेंसिक असिस्टेंट। फोन दो उसे। ओके मैम। हेलो। हाँ शिखा, नोट डाउन माय नंबर। श्योर मैम। मैम 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं नोट करती हूँ। हाँ बोले मैम। मेरा लैंडलाइन नंबर है, नोट इट डाउन। ओके। 0471 326 4797। ओके। मैंने तुम्हें जो कहा था वो याद है ना? डन मैम। मेरे को लीगल सैम पर हमेशा तुम्हें नजर रखनी है। तुम्हें इस टीम में लाने का मेरा यही एक पर्पस है। सैम की डेली एक्टिविटी तुम्हें मुझे इस नंबर पर इन्फॉर्म करनी है एंड आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस इन एब्सोल्यूट सीक्रेसी। मैम फोन स्पीकर पे था। व्हाट आर यू सी? कट द कॉल यू इडियट। स्पाई हो ना? ओह सीरियसली? डिपार्टमेंट की गाड़ी नहीं लग रही, सीट बेल्ट नहीं बांध रहे। मैं समझा नहीं। जब एक्सीडेंट होता है सीट बेल्ट नहीं बांधने पर एयरबैग नहीं खुलता है, पता है ना? हाँ पता है, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ। मिस्टर सैम कहाँ जा रहे हैं? Excuse me? डॉक्टर अल्फांसो कुरियन का रूम कहाँ है? बी ब्लॉक। थैंक यू, वेलकम। वेट, फॉरेंसिक से हो ना? यस। सिट सिट। रितिका ने बोला था, बताइए। कीर्ति की रिपोर्ट मिली है, मगर डॉक्टर का लेटर भी मांग रहे हैं क्योंकि पुलिस को सॉलिड एविडेंस चाहिए। बच्ची माइनर थी इसलिए हम लोग आए हैं। रितिका की क्वेश्चनिंग के बाद 2 घंटे में रितिका के साथ ही बैठा हुआ था। बेटी के खोने के बाद ट्रॉमा के अलावा मेंटली वो बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, वैसे कीर्ति का स्टेटमेंट रिलायबल है, ऐसा एक लेटर मिल जाए तो। श्योर, उस केस की जो भी डिटेल्स है मुझे दे देना। हाँ, ओके। हाँ, मैं लेती हूँ सर। हेलो, हाँ, दिव्या और कीर्ति के केस के डिटेल्स के लिए कॉल किया है। व्हाट्सएप पर मत करो, मैं नोट करती हूँ। 1 मिनट रुको। ओके, 1 सेकेंड। नहीं, तुम बोलो, मैं नोट करती हूँ। हाँ, 280। हाँ, ओके। मार्कर के अंदर होता है एल्कलाइन, कॉफी में होता है एसिड। एसिड को यूज करो तो एल्कलाइन को ब्रेक कर सकते हैं। एक छोटी सी केमिस्ट्री ट्रिक है ना बेटी? ये लो। थैंक यू। बाय द वे, क्या नाम बताया तुमने? सैमुअल जॉन काटुकारन। काटुकारन मतलब कहीं आप इब्राहिम सर के ग्रैंडसन हैं? हाँ, तो जेवियर जॉन मेरा भाई है, मैं इसका चाचा हूँ। ओके ओके ओके, थैंक्स, बाय। थैंक यू। तुम भी आ जाओ, थोड़ा अंदर। स्माइल करो। अरे सुनो, कंक्लूजन, मीडिया में इन सब केसेस को इतना अटेंशन मिलने के बाद भी किलर अपना अब्डक्शन कंटिन्यू कर रहा है, व्हिच मींस एट एनी कॉस्ट अगला इंसिडेंट हमें रोकना ही होगा। दिव्या के मर्डर केस को इतनी इम्पोर्टेंस मिलने की वजह भी यही है कि उसकी बॉडी कॉर्पोरेशन कंपोज साइट के बाउंड्री के पास से ही बरामद की गई थी। ऐसे पब्लिक प्लेस में मिलने के बाद एक्सपोजर को कंट्रोल करना, दैट टू विद आवर रिसोर्सेस। अम्यूजमेंट पार्क में से मिसिंग होने वाली दिव्या हमारी टॉप प्रायोरिटी है। आई एम ऑन इट सर। ओके, यू कम विथ मी। मैंने तुमसे कहा था कि 8 बजे आना है। नहीं, ये ऐसा क्यों है? मैडम, आपने जैसा कहा कि कॉर्पोरेशन कंपोज साइट वाली जगह पर दिव्या की डेड बॉडी मिली थी। बॉडी डंप करने के लिए उसके साइड में तो इतना बड़ा सा खेत था, तो कंपोज साइट क्यों चुनी? उस किलर ने ऐसा क्यों किया होगा? बॉडी जिस जगह पर थी वहां पर कंपोज साइट की जो दीवार है वो लगभग 5 फीट ऊंची तो है ही, है ना? हाँ, फिर सपोज जब 5 फीट दीवार के उस पार डेड बॉडी को जब किलर फेंक नहीं पाया तो एक बार सोच के देखो, दिव्या के डांस क्लास के बच्चे, वाटर थीम पार्क की सिक्योरिटी और इससे पहले के केस के विटनेसेस, वहां पर बच्चों के अलावा आजू बाजू में शक करने जैसा कोई भी इंसान नहीं दिखा, ऐसा सब कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे। फिर भी किलर ने अब्डक्शन किया। हाउ? दिव्या के ड्रेस में ये स्प्लैश पैटर्न, किसी के साथ चलते वक्त साइड बाय साइड उड़ने वाली छींटें हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, और उस डांस स्कूल के पीछे की साइड का नैरो पैसेज 4 फीट हाइट का है। इसका मतलब 4 फीट ऊंचाई वाले नैरो पैसेज से चलने लायक वो जगह और 5 फीट दीवार के उस पार बॉडी को फेंक नहीं पाना, एक ऐसे ऊंचाई वाले आदमी की हमें तलाश है क्योंकि वही किलर है। हो सकता है इस क्राइम सीन के पीछे कोई बच्चा हो तो। Look Sam, I've told you this before. सरकार तुम्हें जो पैसे देती है उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेडिको लीगल एडवाइजर का ही काम करना है। इन्वेस्टिगेशन और गवाही लेने के लिए यहाँ क्वालिफाइड पुलिस ऑफिसर्स हैं। हॉलीवुड की फिल्म्स देखकर इंडिया में क्लूड होने की कोशिश मत करो। मैडम, आपने अमरजीत साहा का नाम सुना है? सीरियल किलर के बारे में सोचो तो हमारे सामने कोई बच्चे की तस्वीर नहीं आती है, लेकिन क्राइम के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। मैडम, ये देखिए, अमरजीत साहा, सीरियल किलिंग के मामले में अरेस्ट होने वाला दुनिया का सबसे छोटा क्रिमिनल। इसकी एज आप जानती हैं क्या है? 8 साल का है। इसने खुद की बहन को और 3 लोगों को ईंट से मार डाला, और इतनी बेरहमी से मार डाला कि कोई सोच भी नहीं सकता है। ये स्टोरी किसी यूरोप या अमेरिका की नहीं है, यहाँ की है, अपने इंडिया की है, बिहार की घटना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैरी बेल और उसके साथ रॉबर्ट थॉमसन, 10 और 12 साल के चाइल्ड सीरियल किलर्स, दुनिया की बहुत सारी जेलों में सजा भुगत रहे हैं। चिल्ड्रन आर डेफिनेटली कैपेबल ऑफ वायलेंट क्राइम, इसलिए तो हमारे यहाँ एक जुवेनाइल सिस्टम है। मैडम, ओके सैम, दैट्स इनफ नॉनसेंस। अपनी बनाई थियोरी अपने पास रखो। तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की थियोरीज मैं पहले भी बहुत बार सुन चुकी हूँ, समझे? तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? है एक छोटा सा रिश्ता। एकेडमी से पास होने के बाद की बात है, मेरे भाई और रितिका की मैरिड लाइफ में। रितिका को जॉब के लिए एक छोटी सी ऑब्स्टिकल के अलावा उनके बीच और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और रितिका ने हमेशा अपने काम को ही इंपॉर्टेंट समझा। रितिका की केयरलेसनेस की वजह से वो अपनी बच्ची खो बैठी। उसके बाद थोड़ा सा वक्त कलरफुल था, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, फैमिली कोर्ट, डिवोर्स। 6 साल बीत गए, लेकिन उसके बाद रितिका और हमारी फैमिली के बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहा। सैम, ये है अब्दुल वाहब सर, रिटायर्ड एसपी सीबीसीआईडी। सर के पास एक डीएनए सैंपल है, अपने केस के साथ इनका सैंपल भी एक बार वेरीफाई करके चेक कर लो। श्योर। सर ये डीएनए किसका है? ये स्टेट के क्राइम ब्रांच के नाम पर दाग लगाने वाले एक इम्पोर्टेंट केस था, उसी की एक लीड है। रितिका के करियर का पहला केस और मेरे रिटायरमेंट से पहले का लास्ट केस। 2010 के हंटिंग में त्रिवेंद्रम सिटी के आउटस्कर्ट में बर्मा कॉलोनी के अंदर से 8 से 11 साल के बीच के बच्चों को अबडक्ट किया था। लेटर दे वर फाउंड मर्डर्ड। फिर विक्टिम के शरीर के घाव का पैटर्न और हत्या करने का तरीका, ये सब को रखकर मैंने सीरियल किलर का एक विक्टिम पैटर्न बनाया था। उसे ही बेस बनाकर उस किलर का नेक्स्ट अबडक्शन का समय हमने पिन पॉइंट किया। उस बर्मा कॉलोनी के रोड्स को बंद करके किए गए वाइड सर्च में पास कहीं के स्कूल वैन में ड्रग्स देकर बेहोश की गई एक बच्ची को हमने बरामद किया। उसके बाद हमने स्कूल वैन के ड्राइवर को अरेस्ट किया था। This was the man. उमेद अहमद। बर्मा कॉलोनी में सीरियल किलिंग में उसे पकड़ा गया। यह न्यूज पेपर और चैनल में भी आई। उमेद के अरेस्ट होने के 2 महीने के अंदर ही एक और बच्ची मारी गई। वाइल उमेद वाज स्टिल इन प्रिजन। वही मोड्स, वही विक्टिम पैटर्न। एक ऐसा माइनर डिटेल्स वाला अबडक्शन पैटर्न जिसे कोई पुलिस वाला ही जान सकता है। और उसके अलावा जो 5वां विक्टिम है, उसके नाखून के अंदर से हमें ब्लड सैंपल मिला था किलर का। पहले जिनकी हत्या हुई थी उनके कपड़ों से मिले ब्लड सैंपल से यह सैंपल परफेक्ट मैच था, लेकिन उमेद के डीएनए से यह मैच नहीं हो रहा था। मतलब किसी अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति के डीएनए का सैंपल है यह। और वह अंतिम था। उसके बाद कोई अबडक्शन नहीं हुआ। बट द मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर। हमने गलत आदमी को अरेस्ट किया है। उस अननोन किलर का डीएनए प्रोफाइल अभी मेरे पास है। आई हैव डन हंड्रेड्स ऑफ डीएनए टेस्ट, बट फैसले और न्याय से दूर कहीं वह किलर छुप कर बैठा हुआ है। उमेद अहमद जेल से बाहर आया और अपना काम खो बैठा। साथ में उसके ऊपर चाइल्ड मोलेस्टर का धब्बा भी लग गया। रिटायरमेंट के बाद मैंने इसे अपने साथ रख लिया। बस यही है सैम, मेरी जिंदगी इन केसेस के बोझ तले दबकर कट रही है। ये यहाँ का लोकल वॉलंटियर है। स्पॉट के पास वाले लाइट पोस्ट में एक पार्टी का झंडा था। वहाँ आसपास कोई नहीं था, इसलिए झंडा निकालने गया था, तभी इसने वो देखा। विनोद, तुमने जो देखा वो मैम को बताओ। उसे पहचान सको ऐसी कोई निशानी याद है तुम्हें? मैडम, मैंने रात को उसे देखा था, फिर भी उसका चेहरा मुझे याद है। मैडम, वो कोई बड़ा लड़का नहीं था मैडम, वो कुछ 10-11 साल का छोटा सा लड़का था मैडम। बताइए। इस फोटो में जो आप लोगों को लड़का दिख रहा है, अगर वो कहीं दिखे तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर हमें इन्फॉर्म कीजिए। इस प्रेस मीट के बाद इसकी डिजिटल कॉपी हम आप सभी को भेज देंगे। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, एटलीस्ट दैट्स ओवर। मुरली, यस मैम, इसकी डिजिटल कॉपी सर्कुलेट कर दो। यस मैम, एंड सेंड इट टू ऑल द न्यूज़ चैनल्स। ओके मैम, मैं जाकर उसकी मदद करता हूँ। ठीक है जी। सैम, आई एम सॉरी मैंने तुम्हारे साथ हार्शली बात की, पर तुम्हारी ये थियोरी इस केस में एक्चुअली काम आ गई, एंड दैट क्रेडिट बिलोंग्स टू यू। नैंसी, आज तुम अकेली आई हो? आज अल्फांसो सर का सेशन नहीं है? सब हो चुका, अभी मैं फ्री हूँ। अच्छा, तो फिर चलो मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाता हूँ। हाँ, बोलो सैम। वो यहाँ पर चिकन काट रहा है। पापा को हाय बोलो। हाय। हाय, हाय बेटा। How are you? तो क्या है आज का स्पेशल? लैम बर्गर है। लैम बर्गर। बेटा, तुम पापा को भूली तो नहीं ना? हंस क्यों रही हो? पापा तुम्हें जोकर लग रहे हैं क्या? हेलो। हाँ डॉक्टर। अच्छा ठीक है, मैं भी आती हूँ। क्या खास बात है? कुछ खास नहीं, इसकी मम्मी देखेगी तो मुझे खा जाएगी। डॉक्टर, मे आई कम इन? रितिका, या कम इन। एक्चुअली बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओके। कल जो स्केच रिलीज हुई थी, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? नो, नॉट येट। स्केच देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इस चेहरे को मैंने कहीं देखा हुआ है। कुछ समय पहले जुवेनाइल होम से काउंसलिंग के लिए इसे मेरे पास लेके आए थे। नाम है रूबिन इलियास। ये अभी मिसिंग है। कुछ समय के लिए मैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कहीं गया हुआ था। जाने के पहले मैंने इस केस को क्लिनिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर मेनन को रेफर किया था। फिलहाल वो अभी छुट्टी पर है। कुछ साल पहले रूबिन का केस मेरे पास आया था। ग्राउंड में खेलते समय एक मामूली से झगड़े में अपने दो दोस्तों को धक्का मारकर कुएं में गिराकर मारने की कोशिश की थी। तब मैंने उसे पहली बार देखा था। दिन मैंने उसकी आंखों में जो भाव देखे थे वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जल्द ही मैंने उसके साथ थेरेपी सेशन शुरू कर दी। बहुत कोशिश करने के बाद मैं उसके साथ कनेक्ट हो पाया था। बिकॉज ऑफ माई कंडीशन। महीने में एक बार जुवेनाइल होम से उसे मेरे घर लाने की कोर्ट से अनुमति मिल पाई थी। जैसे जैसे साल बीतता वो ठीक होता जा रहा था। पर अचानक 2 हफ्ते पहले वो बिल्कुल ही बदल गया। जो भाव मैंने उसकी आंखों में देखे थे मुझे फिर से उसकी आंखों में दिखने लगे थे। मैं थोड़ा डर गया था। हाँ रुबिन, रुबिन, दैट वॉज द लास्ट टाइम आई सॉ हिम। इतने सालों मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की मगर आप लोगों से मुझे उसके बारे में पता चला। सैम, तुम्हारी चाइल्ड किलर थियोरी को इन्होंने वैलिडेट कर दिया है। उसका नाम और डिटेल्स अब हमारे पास हैं। नाउ आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वैसे भी वो किसी के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। पुलिस फोर्स को चकमा देना कोई आसान काम नहीं है। क्या हो गया माँ को इस तरह? अब सुबह बाथरूम में गिर गई, अभी आईसीयू में है। चलिए। हाँ अब बेटा तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ, कहीं जाना नहीं। हाँ। आज नॉर्मल वार्ड में ले जाएंगे ना? वो तो भी डॉक्टर ही कह सकते हैं। मालविका दास 6 साल की है। ये बच्ची आखिरी बार यही पाई गई थी। हमने इस जगह को सिक्योर कर लिया है। बच्ची को वेटिंग रूम में बैठाकर उसकी माँ आईसीयू में किसी से मिलने गई थी और बाहर आई तो वो गायब हो गई। उस वक्त वो हॉस्पिटल के कॉफी सेंटर से चॉकलेट लेकर बाहर निकली थी। फिर लगभग 12:15 बजे के आसपास से वो मिसिंग है। फिर हमें हॉस्पिटल के कचरे के डब्बे से यहाँ के बारकोड वाला चॉकलेट का ये रैपर मिला है। वो तो SP आइसेक है ना, उन्होंने पैसे देके सब कुछ सेटल कर दिया, एक इंक्वायरी तक नहीं हुई। किडनैपिंग और मर्डर इस सिटी में काफी बढ़ चुकी है। अभी मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ। पुलिस छानबीन कर रही है और लोगों से पूछताछ जारी है। ये यहीं से लिया है, पक्का है ना? हाँ सर। आप श्योर है ना? हाँ। इन्हें देखो, मैं आती हूँ। साथ में उसके कोई लड़का भी था? पता नहीं। क्राइम सीन का सारा एविडेंस ठीक से टैग किया हुआ है ना? हाँ। मैडम, पहले मुझे डाउट हुआ था। इस कॉफी सेंटर से मालविका ने जो चॉकलेट ली थी, चॉकलेट के बार कोड का स्कैन का टाइम और इस बिल की जो टाइमिंग है, मैंने काउंटर पे जाके पता किया, दोनों एक ही हैं। मैडम एक बात और, काउंटर पे ये भी पता चला है कि मालविका के साथ उस समय रूबिन भी था। ये कंफर्म है। मैडम एक बात और, मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है, मालविका के अब्डक्शन के पीछे रूबिन का ही हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। सर, वो चॉकलेट वहां पर गिरा नहीं हो और अगर हमें मिसलीड करने के लिए वहां डाला हो तो? व्हाट डू यू मीन सैम? वो चॉकलेट का कवर हमें डस्टबिन के ऊपर से मिला है ना। उस डस्टबिन की जांच करने के बाद मुझे यहाँ पर जो पास वाला थिएटर है उसका आफ्टरनून शो का एक टिकट मिला। सी, इसमें लगी मिट्टी और धूल आप देख रहे हो। झाड़ू मारने वाले ने दोपहर के वक्त में झाड़ू मारा होगा, उसी की धूल लगी है ये। वो बच्ची एब्डक्ट लगभग 12 बजे हुई है, टिकट में भी वही टाइम लिखा है। आफ्टरनून शो देखकर टिकट यहाँ पर फेंक कर लोग चले गए हैं, मतलब लगभग 12:30 के बाद ही लोगों ने टिकट फेंकी होगी। उसके बाद फिर झाड़ू मारने वाला आया और कचरा और टिकट को डस्टबिन में फेंक दिया। ये सब कुछ होने के 1 घंटे पहले वहाँ से अपडेट की गई मालविका के हाथों से गिरा हुआ ये, मतलब ये चॉकलेट, इस पर मिट्टी और धूल कुछ भी नहीं लगा है। व्हाट डज दैट मीन? तुम क्या सोच रहे हो? मालविका का अपडक्शन होते वक्त नहीं, मतलब उसके बाद करीब 2:30 बजे के आसपास वो यहाँ पर गिरा है। अगर उसने जानबूझकर इसे यहाँ पर डाला होगा तो वो एक आदमी ही हो सकता है, मालविका का अपडेटर। तुम कहना क्या चाहते हो सैम? 2 बजे से पूरे एरिया में पुलिस है। हेलो। इस बीच रूबिन यहाँ आकर के कचरा फेंक करके चला जाएगा। श्योर। कमिश्नर मीटिंग, इसी पर बात करनी है। लेट्स गो। दोनों जो कह रहे हैं वो भी सही है। इतने फोर्स के बीच में वो रैपर कैसे डाल सकता है? लेकिन रूबिन ही डाल कर गया है, ऐसा मैंने कब कहा? चॉकलेट के बाहर का वायलेट कलर का कवर देखा है? गोडाउन वाले, दुकान वाले, बहुत से लोगों का इस पर हाथ लगा होता है, लेकिन इसके अंदर वाला मशीन पैक्ड गोल्डन फॉइल, इस पर भी 2 लोगों के हाथों के निशान है। ये चॉकलेट कवर खोलने वाली मालविका और दूसरा जिसने यहाँ पर यह कवर फेंका। अगर वो ये सब पुलिस को मिसलीड करने के लिए कर रहा है तो उसने ये भी ध्यान रखा होगा कि उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं ना दिखे। हाँ, ध्यान तो रखा होगा, ध्यान रखा है, क्योंकि इस गोल्डन फॉइल के बाहर 5 to 7 मिलीमीटर का लंबा कॉटन थ्रेड मिला है, जैसा हैंडकरचीफ में रहता है वैसा ही। तो हो सकता है उसके फिंगरप्रिंट ना है, इसलिए ऐसा किया होगा। मुजरिम खुद को बचाने के लिए ऐसा करता है, लेकिन फिर भी वो फंस ही जाता है। एक फॉरेंसिक वाले की आंखों से देखा जाए तो वो कॉटन थ्रेड्स और उसके अंदर छुपे हुए वो स्किन सेल्स, उसके अंदर वाला टच डीएनए, सब कुछ देख सकते हैं। तुम जरा मुरली को फोन करो। या। इसे काराकुलम बायोटेक्नोलॉजी लैब से लेके आया हूँ। एक्चुअली है क्या ये? हाँ, ये डीएनए एनालिसिस करने वाला एक डिवाइस है, फॉरेंसिक वैक्यूम पंप। जब हम कपड़े या फिर वेपन्स को हाथ लगाते हैं तो हमारे स्किन सेल्स उसमें चिपक जाते हैं, तो हम इस डिवाइस से सैंपल साइज जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। ये सरफेस पर टच करने वाले इंसान के डीएनए का प्रोफाइल हमें देता है। ये वो दो डीएनए हैं जो उस चॉकलेट रैपर से हमें मिले थे। यह है चॉकलेट पर से मिला हुआ मालविका का डीएनए सैंपल और यह जुवेनाइल होम से रूबिन के कपड़ों का पुराना डीएनए। चॉकलेट रैपर पर मिले दोनों डीएनए के साथ यह मैच होता है क्या देखना है। दूसरी बार उस चॉकलेट रैपर पर ना ही मालविका ने हाथ लगाया और ना ही रूबिन ने। अनआइडेंटिफाइड एक तीसरा आदमी है, वो अभी भी रूबिन के पीछे छुप रहा है ताकि वो किसी की पहचान में ना आए। और किलर वेस्टमोर हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ। एक छोटे बच्चे की फोटो दिखाकर वादा किया गया था कि आज के बाद कोई किडनैपिंग नहीं होगी। फिर भी सिर्फ 4 दिनों के अंदर मालविका नाम की एक छोटी बच्ची गायब हो चुकी है। इसके साथ ही रितिका ने जो वादा किया था जनता से, उस पर अब प्रश्न उठ रहे हैं। कहा जाता है कि अगर मैडम पब्लिक पूरी तरह से डर चुकी है, लोग बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे हैं। सच कहूँ तो मेरी बच्चे के स्कूल में भी स्कूल वैन से बच्चों को नहीं जाने दे रहे हैं। पेरेंट्स खुद जाकर के छोड़ रहे हैं। हमें इस केस को बहुत जल्द सॉल्व करना होगा मैम। यस सैम। मैम हमें सॉलिड एविडेंस मिला है। उस दिन हॉस्पिटल के बाहर मिले चॉकलेट रैपर से मिले हुए डीएनए को मैंने एब्स्ट्रैक्ट किया है। लेनी भीग जाओगे लेनी। नो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी फ्रीडम क्या दे दी? डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। रूबिन इलियास को कैप्चर करना ही इन्वेस्टिगेटिंग टीम का टारगेट है। दैट एंड ओनली दैट। ओके मैम। सैम। हाँ रैपर कोई एविडेंस नहीं है बोल रही है। फॉरेंसिक वाली को कोई मदद चाहिए तो सामने से बुलाएगी कह रही है। जरा 1 मिनट लैब में आओ। चलो बेटा कम। सैंपल प्यूरिफाई करके दोबारा देखा था क्या? मैंने 3 बार क्रॉस मैच करके कंफर्म किया है। सैम तुम्हारे जाने के बाद ही सर ने बर्मा किलिंग का सैंपल लाया था। इट्स एन एग्जैक्ट मैच। सर, मालविका के चॉकलेट पर जो डीएनए मिला था और आपके पास जो डीएनए था, वो दोनों एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं। इसका मतलब ये निकलता है 10 साल पहले हुआ बर्मा कॉलोनी का किलिंग केस और अभी शहर में हो रहे चाइल्ड किलिंग का किलर, ये दोनों एक ही आदमी है। यही वो जगह है ना जहां बर्मा कॉलोनी किलिंग की डेड बॉडी मिली थी? कराकुलम रिजर्वायर। तीन बच्चों की बॉडी हमें इसी साइड से मिली थी। मिट्टी के नीचे उन्हें गड़ा गया था। शहर से इतनी दूर डंपिंग ग्राउंड होने के बावजूद भी किलर ने बॉडी को यहां पर क्यों गाड़ा, यह सबसे बड़ा सवाल है। उस दिन सर वो पुलिस टीम वाले यहां पर सर्च करने आए थे, तब रिजर्वायर पूरा पानी से भरा था। सो नेचुरली आप लोग यहां बिना सर्च किए गए होंगे। ट्रू। शिखा, तुम किसी पाइपिंग कंपनी वाले से कांटेक्ट करके ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार लेकर आओ। इस जमीन के नीचे क्या है जानना चाहता हूं मैं। Yes, मैम। हेलो शिखा, जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसका क्या अपडेट है? मैम, सैम बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्रॉस चेक कर रहा है। ओके, कल तुम और सैम काराकुलम गए थे क्या? हेलो मैम, वो हम दोनों एक टूर पे गए थे। लुक टू योर पर्सनल थिंग्स इन योर ओन टाइम। रिपोर्ट्स फाइनल होने के बाद मुझे भेजो। श्योर। ओके। कौन था कॉल पर? वो एक पर्सनल कॉल था। पर्सनल कॉल सब ऑफिस के टाइम के बाद। ये लो। रितिका सेवियर, डैनो मोमन, मुरली मोहन कुमार, ये क्या है सैम? इस केस में अब तक किसी ने भी ट्राई नहीं किया है, वो हम करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें वहाब सर की और अल्फांसो डॉक्टर की हेल्प चाहिए। मालविका का अब्डक्शन जिस दिन हुआ था उस दिन वेस्टमोर हॉस्पिटल के सीसीटीवी में नहीं आने वाले पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट है ये। इस लिस्ट में हम जो एक नाम ढूंढ रहे हैं उसमें से एक नाम किलर का भी है। सो इन सभी का सैंपल कलेक्ट करने के बाद किलर के डीएनए के साथ मैच करना है। इस लिस्ट में कम से कम 100-150 लोगों के नाम है। वैसे भी हमें किलर सामने से अपना डीएनए सैंपल देगा क्या? नहीं, इसलिए हम इस तरह सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं जो कोई भी ना जान सके। लिस्ट के 6 लोगों के सैंपल्स मैं और शिखा कलेक्ट करते हैं और फोर्स के बाकी लोगों के डीएनए वहाब सर और आप कलेक्ट कर लीजिए। अल्फांसो डॉक्टर, आप वेस्टमोर हॉस्पिटल के स्टाफ्स का डीएनए कलेक्ट कर सकते हैं। श्योर। रैपर में जो डीएनए सैंपल मिला था वो सभी के डीएनए से मैच करके देखना है और हम लोगों का भी, नो एक्सेप्शंस। शिखा, अभी इस लिस्ट के बाकी लोगों का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं किलर का डीएनए मिलने तक। अब सिर्फ आखिरी बैच बचा है, पहले का कोई मैच नहीं हुआ। ओके। सैम, 1 मिनट। चाइल्ड अब्डक्शन केस की इन्वेस्टिगेशन एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। कुछ दिनों पहले पुलिस ने अपराधी की जो फोटो सर्कुलेट की थी जिस पर संदेह किया जा रहा था उसे इस चर्च के पास देखा गया है। एसीपी रितिका, जेवियर और उनकी टीम स्पॉट पर पहुंच चुकी है, पर फिलहाल मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। कैमरामैन अखिल के साथ मैं रिपोर्टर अभिरामी। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चियों के कातिल को पकड़ा जा चुका है। आप लाइव देख रहे हैं, ये एक कम उम्र का बच्चा है। ये इतना खतरनाक हो सकता है कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। रोबिन, इन फोटोग्राफ्स में जो बच्चियां हैं उन्हें तुम कैसे पहचानते हो? हाँ, इसे मैंने शैतान के पास भेजा है। अच्छा किया। He confessed. क्या हुआ इतना अर्जेंट? बच्चे के कन्फेशन की वीडियो क्लिप है ये। इसमें ये बच्चा बोल रहा है कि शैतान उससे ये सब करवा रहा है। इस पोर्शन को ध्यान से देखो। देखो है ना? वो अपना सर कैसे घुमा रहा है। बोलो। रूबिन को दोनों कानों से कम सुनाई देता है, इसलिए वो एक हियरिंग एड यूज करता है। आजकल हियरिंग एड बोले तो अपने साधारण ब्लूटूथ हेडसेट के जैसा आजू बाजू के सिग्नल को एक टेलीकॉइल एम्पलीफाई करके देता है। तो अगर वैसा है तो मोबाइल का सिग्नल यूज करके उसमें एक वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। वो रूबिन के कान में सुनाई देने वाले आवाज की तरह ही लगेगा ना। मालविका का उस पब्लिक प्लेस से अपडेट करके इतनी दूर जगह पर लेकर जाना एक अकेले आदमी से तो ना हो पाएगा। इसे कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई तो इसके पीछे है। और शैतान की आवाज जो उसे हमेशा सुनाई देती थी किसी इंसान की हो तो। सेल में ले जाने से पहले एक अपराधी के इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें निकाल कर रखते हैं, एक चीज को छोड़कर, उसका हियरिंग एड। रूबिन, तुमने अब तक मेरी सारी बातें सुनी। सुनो रूबिन, तुम्हारे लिए मेरा आखिरी आदेश है। वो हियरिंग एड अब तक उसके कान में है तो अभी भी वो उस आदमी के कंट्रोल में है। सर, उस पागल बच्चे ने हम सबको मुसीबत में डाल दिया। कमिश्नर आने वाले हैं। सर, रूबिन का मेडिकल हमने किया था। हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि वो सुसाइड कर सकता है। ये सब मुझे बताने से कोई फायदा नहीं। देखो, जब तुम इस केस को लेकर मेरे पास आई थी तभी मैंने कहा था नो प्रेस नो लीक। और अब क्या हुआ? सब कलेक्टर से लेकर डीजीपी तक मुझे सुना रहे हैं रूबिन तुम्हारी जिम्मेदारी था। अब तो तुम्हारे और तुम्हारी टीम के खिलाफ एक इंटरनल इंक्वायरी आई है। It's out of my hands. सैम, क्या हुआ? इंक्वायरी होगी। शिखा, ये केस हमारे हाथ से चला जाए उससे पहले हमें एक बात जाननी है। एक रिमोट ब्लूटूथ डिवाइस रखकर अगर वो रूबिन का हियरिंग एड कंट्रोल कर रहा है, मतलब रूबिन सुसाइड करते वक्त वो उस इलाके के आजू बाजू में ही कहीं होगा। तुम उस इलाके के सारे सीसीटीवी को चेक करना। कोई भी डाउटफुल गाड़ी या फिर कोई इंसान हो तो। सैम, मैडम का है? नैना आई हुई है। वो यहाँ क्यों आई है? मेड के साथ आई थी, उसकी बेटी बीमार है इसलिए उसको यहाँ छोड़ के गाँव चली गई। चलो। बोलो, तुम्हें बैठना है ना? मैडम, ये यहाँ पर क्यों है? मेरी दीदी इसे यहाँ छोड़कर गई है, उनको किसी जरूरी काम से जाना पड़ा है। पर इसका यहाँ रहना सेफ। मैडम, मैं 2 दिनों के लिए नैना को अपने घर लेकर जाऊं? नहीं, मैं बिल्कुल अलाव नहीं करूंगी। मैडम, इस टीम को मैंने जब से ज्वाइन किया है, जेवियर और आपके पास्ट के बारे में एक बार भी बात नहीं की और ना ही मैंने आपको कभी तकलीफ दी। उसके बाद जब से मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है तब से अब तक आपको मैडम बुला रहा हूं। अगर अभी इसे मैं अपने घर लेकर जा रहा हूं तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? इसे थोड़ा फ्री छोड़िए, एटलीस्ट इंक्वायरी खत्म होने तक तो ये मेरे साथ रहेगी। और दूं क्या आपको? यस, हमारा फिश फ्राई आ गया। ये लो, रेडी। लो बेटी, अब तू भी बैठ जा। हाँ, मैं बैठता हूँ। यस, सबके लिए है। ये ले। चलो बेटा, अब सो जाते हैं। चलो आ जाओ बेटा। बेटा जाओ, सो जाओ। चलो आ जाओ, चलो, कल धमाल करना है। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे आजा, बैठ। देख, कल का प्रोग्राम फुल सेट है। कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे, पार्क, शॉपिंग, सिनेमा और वैसे ही घूमेंगे। कितने साल हो गए वो हंसी देखकर। रितिका जब उसके साथ ये घर छोड़कर गई थी, तुझे पता नहीं ना, सबसे परेशान होकर ऑफिस छोड़कर कुकिंग यूट्यूब चैनल के सहारे इन बच्चों से जुड़ा। ये वो दिन है जो उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बनना चाहिए। These days should be the best days of her life. मैं अभी आता हूँ। हाँ, हेलो शिखा। हाँ, हेलो सैम। मैंने सारी सीसीटीवी चेक की। उस दिन सेल के पास दीवार के करीब एक कार खड़ी थी और उसके मरने के बाद वो कार वहाँ से निकल गई। ड्राइवर और नंबर प्लेट का कुछ पता तो नहीं चल पाया, पर वो एक पुरानी ब्लू होंडा सिविक कार थी। हेलो, हेलो सैम। शिखा, मैं कॉल करता हूँ। ओके। सर हाँ, क्या हुआ? डैना सर की बेटी को किसी ने किडनैप किया है। कंट्रोल रूम। नॉर्मली स्कूल बस कितने बजे आती है? How is your wife taking it? Keep faith, we will find her. Don't worry, हमारी टीम है। हेलो। And we are working on it. हाँ, okay. मैम। क्या? स्कूल बस आने तक बच्ची मोबाइल से खेल रही थी। लेकिन मोबाइल वहाँ कहीं मिला नहीं। Okay. ये हो सकता है मैम कि वो अपने माँ का फोन स्कूल बैग में डाल कर ले गई हो। That means we need to trace the GPS. Come on, come. टूट गया। सैमुअल जॉन काटुकरन, तू इस केस के पीछे दौड़ रहा है ना, तो तेरी दौड़ यहीं खत्म हो रही है। समझा क्या? ये वही गाड़ी है, यही वो चारों बच्ची आखिरी बार आई थी, समझा? और अब तू ये कावेयार वाइल्ड लाइफ की जगह है, पता है क्या? यहां से 5 मिनट चला तो वेस्टमोर हॉस्पिटल आएगा। तेरी रितिका की बेटी काउंसलिंग के लिए जाती है, वही जगह है जब नैना यहां अकेली आई थी, उन चारों की मौत हो चुकी थी। हैं? कैसे यही सोच रहा है ना? तू और तेरा परिवार भूलने लगा है वो एक नाम, नव्या। नव्या जेवियर। रितिका और दुनिया जैसा सोच रहे हैं, वो मरी नहीं है। तुम अभी जो वीडियो देख रहे हो ये वही है, नैना के जैसी शक्ल वाली नव्या सेवियर। तुम कुछ समझ रहे हो? चाइल्ड किलर रूबिन नहीं है, बल्कि रितिका की अपनी खुद की बेटी है, जो वीडियो देखकर समझ जाएगा। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी दुनिया के सामने रितिका ने मुझे अपराधी बनाया, मेरे सपनों को बर्बाद कर दिया। उसी तरह 13 साल की उसकी बच्ची सीरियल किलर बनेगी। वो देखकर कुछ नहीं कर पाने वाली रितिका को मुझे उस हालत में देखना है। पक्का है क्या? तो रितिका और उसकी बच्ची को तू नहीं बचा पाएगा। कौन है इसके पीछे? पहले तूने कहा था ना, कौन है वो दूसरा? हाँ, तो केस केस के पीछे पड़ा है ना, अब पता किसके पीछे भागेगा। नहीं जानता ना, और वो तू जान भी नहीं पाएगा। देखो जरा, से हमें बच्ची मिल गई है। They're on the way to the hospital. ड्राइवर को हमने कस्टडी में ले लिया है। Go, just go after him. Come on, quick. It looks like we lost him. आगे के सारे रोड्स को ब्लॉक कर दो। It's a yellow delivery van. Catch him. नहीं यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ दिखा दिखा, हाँ सैम, सुन, एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई है, ऐसा एडवोकेट ने कहा है, इसलिए तुझे अभी अरेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। आ जाओ। क्या हुआ सर, आपने इसे अचानक बुला लिया? मैं एक्चुअली कमिश्नर ऑफिस से सर, ये यहाँ क्या कर रहा है? The entire police force is looking for him. रितिका, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं सैम, सेवी, this can't be her. ये वो नहीं है. This video is fake. नहीं, ये वीडियो ओरिजिनल है, पर इसमें जो बच्ची दिख रही है वो नैना नहीं है, नव्या है. नव्या अभी कहाँ है वो मुझे पता है. उबैद के फोन में जो वीडियो है उसमें नव्या ने जो पेपर पकड़ा है वो 2 दिन पहले का ही है. उस दिन मुझे पकड़कर ले जाने से पहले वो जिन जिन जगहों पर गया था उसके मोबाइल फोन से मैंने ट्रैक किया है. इस जगह में वो लगभग 500 मीटर के अंदर उसने 3 घंटे से भी ज्यादा का समय बिताया है. सो यह है नव्या का लोकेशन. अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है. उबैद का फोन मैंने लिया है, अगर ऐसा किलर को लग गया तो, और उबैद की डेड बॉडी पुलिस को मिली भी तो नव्या की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी. तो अब हम निकलते हैं सर. यह वीडियो लीक होने से पहले हमें एडवोकेट से मिलना है. नैना की काउंसलिंग हिस्ट्री और मेंटल हेल्थ के बारे में डॉक्टर अल्फांसो कुरियन से एक एफिडेविट लेना है. तो मैं और रितिका इसके नहीं, नो सैम, मैं भी नहीं जा सकती. आई हैव टू फाइंड माई चाइल्ड. तो अभी मैं मेडिकेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ और कोशिश करूँ कि जो बातें दुख पहुँचाती हैं उसे अवॉइड कर दो. ठीक है डॉक्टर. सैम, डॉक्टर एक अर्जेंट बात करनी है. चलिए हम लॉयर के पास चलते हैं. गिव मी 2 मिनट्स. ओके, आई विल वेट. तो हम 2 हफ्तों के बाद फॉलोअप करते हैं. ओके. डॉक्टर, मैं पिछले 2 दिनों से उस किलर का पीछा कर रहा हूं. हम लोगों ने उस दिन काराकोलम वाटर रिजर्वायर से खोदकर 5 डेड बॉडीज निकाली थी. उनमें से एक बॉडी अडल्ट की थी और वो बहुत साल पुरानी थी. उसकी हड्डियों की जांच करने पर पता चला कि उस पर सिर्फ रिजर्वायर वाटर की मिट्टी ही नहीं थी, बल्कि त्रिवेंद्रम के सदर्न पार्ट में मिलने वाले रेडलूम ऑयल्स के ट्रैशेस भी थे. वो मिट्टी कहाँ की थी वो ढूंढने पर पता चला कि वो 90s का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इशू था. टाइटन केमिकल्स वाले एक केमिकल फैक्ट्री के बारे में मुझे पता चला. डॉक्टर जरा सोच कर देखिए, एक केमिकल फैक्ट्री से निकला हुआ केमिकल वेस्ट वहां पर एक बड़ा एनवायरमेंटल इशू बन गया था और उसके खिलाफ वहां के गांव वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे. प्रोटेस्ट को दूर करने के लिए वो कंपनी वहां की अगल बगल की जमीनों को सोने के भाव से खरीद रही थी. पर वहां पर रहने वाले एक आदमी ने एक रहस्य जिसके बारे में किसी को नहीं पता, उसने उस मिट्टी में खोद कर डाला था. और वो पकड़ा ना जाए इस डर से वो उसे वहां से खोद कर किसी दूसरी जगह डंप कर रहा था, ताकि कोई और उसे ढूंढकर वहां पर जा भी ना पाए. ऐसा रिजर्वायर वाटर का वो बेस था. उस समय के वहां के रहीवासियों की लिस्ट है ये. उसमें लाल इंक से जो मार किया है ना, उसी आदमी को मैं ढूंढ रहा हूं और वही है सीरियल किलर. सोफिया, द लव ऑफ माई लाइफ, उसने मुझे एक इंसान बनाया। उसकी आंखें बंद होने पे मैं वहां खड़ा था उस बच्चे को लेके। मेरा बेटा नवीन, अब वही मेरे जिंदगी जीने का सहारा था। लेकिन जब कैंसर की रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मेरी पूरी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। एवरीथिंग चेंज्ड फ्रॉम देयर। कांग्रेट्स, टॉप आई हो। मुझे पार्टी चाहिए। तुम्हारे डैडी बहुत खुश होंगे ना। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम्हें कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चांसेस हैं पूछोगे तो लेट्स प्रे। मम्मी चलो ना, मम्मी चलो, पापा आओ ना, पापा आओ। पापा। बेटा तुम कहाँ गई थी? मैं तो यहीं पर थी पापा। अच्छा। आओ बैठो। अंकल आपका नाम क्या है? मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ तो चलेगा? बेटा नीचे बैठ जाओ। दिखाओ मुझे क्या है। हाँ, दिखाओ ना अंकल, क्या है ये? अंकल आप हंसते नहीं है क्या? हंसिए ना अंकल, अंकल हंसिए ना अंकल। आप हंसते क्यों नहीं? हंसिए ना, हंसिए ना अंकल प्लीज। अपनी बीमारी का सारा गुस्सा जब विक्टिम पे उतार रहा था तो पता नहीं कैसे मेरा बेटा, उसने ये सब कुछ देख लिया। मैं हमेशा उसका ध्यान रखता था। मैं चाहता था जैसा मेरा बचपन गुजरा वैसा उसका ना हो। नवीन क्या हुआ बेटा? चलो चलो खाना खाते हैं। Well, the good news is, वर्मा कॉलोनी के किलर का विक्टिम पैटर्न हमें पता चल गया है और हम बहुत जल्दी उसे अरेस्ट भी कर लेंगे, विदाउट फेल। स्टॉप स्टॉप। ओके इंस्पेक्टर, चेक ऑल दीज व्हीकल्स। किसी को भी चेक किए बिना आगे मत जाने देना। अगर डाउट हो तो सभी गाड़ियों को कस्टडी में ले लो एंड गेट बैक टू मी। पर वो मेरा सब कुछ बर्बाद करने पे तुल गई। रितिका, जेवियर, आईपीएस। और डॉक्टर अल्फोंस, यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव दिस। पिछले दिनों जो ब्लड सैंपल से रिपोर्ट लिए गए थे सब के सब हाईली पॉजिटिव है। ये केस मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। ये सीरियल किलिंग, साइकोपैथ किलर, ये सब हम लोग आज तक सिर्फ नॉवेल में ही पढ़ते आए थे और आज हमने हकीकत में देख लिया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के बाद तुम पूरी तरह से ठीक होकर जिंदगी जी सकते हो अल्फोंस। डॉक्टर मैं 2 मिनट में कॉल करता हूँ। ओके ओके। केरला का ये एक बहुत ही अलग किस्म का केस है और इसकी जांच को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से करने के लिए और अपराधी को पकड़ने के लिए मैं एसीपी रीतिका को शाबाशी देना चाहता हूँ। नवीन मैं उम्मीद करता हूँ से। हमें 2 बातें याद रखनी है। पहली, इसके आगे से किसी भी बच्ची के साथ कुछ नहीं होगा, ये मैं और मेरी टीम आपसे वादा करते हैं। वो मुझे बहुत प्यार करता था और उसने मेरा शैतान वाला रूप देख लिया। नवीन के मरने की खबर अगर बाहर पता चल जाती तो टेरेस और जनरेटर रूम के बारे में भी लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए जैसे बाकी लोग मरे हुए थे, इसीलिए जो गड्ढा मैं लोगों के लिए खोदता था आज अपने बेटे के लिए भी खोदना पड़ा। नहीं होती तो आज मेरा हाल ये नहीं होता। मेरा अगला टारगेट बनके वही जनरेटर रूम में मरने वाली थी, बट नो, शी डिजर्व्ड मच मोर देन दैट। तो देखो, देखो कितना बड़ा है। हाँ? उस बच्ची को तड़पा के मारने का प्लान था, लेकिन जब मेरे सामने रूबिन को लाया गया तो बहुत ही खतरनाक प्लान मेरे मन में आया। उसके बाद से वो मेरे जीने का मकसद बन गया। बर्मा कॉलोनी के बच्चों को किडनैप करने वाला उमेद क्रिमिनल नहीं है। जिस दिन उबैद जेल से रिहा हुआ उसके सामने मैं खड़ा था। रूबीन और उबैद को मैनिपुलेट करके रितिका के लिए मैंने एक मास्टर प्लान बनाया। वो सब तुम देख चुके हो। जंगल में उस गाड़ी में नाव्या के साथ अंदर उन बच्चों का इंतजार मैं ही कर रहा था। इट वॉज ऑल मी। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं और अभी तक क्यों जिंदा हूं सिर्फ मुझे पता है। नव्या, उबैद का फोन और लोकेशन शायद तुम्हें मिल भी जाए, लेकिन नव्या को जहां छुपाया वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। Is my insurance policy. Sevi, it's locked. Sevi, बच्ची का यूनिफॉर्म। सर, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो गई है। अगर वो तुम्हें मिली तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में मुझे फंसाने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुमने मेरा खून किलर के साथ मैच करके देखा था ना, क्या हुआ था उसका? दुनिया के सभी जुडिशियल सिस्टम अंत में कंसीडर करने वाला डीएनए प्रोफाइल, एक इंसान के यूनिक आइडेंटिटी मार्क पर, उसमें एक एक्सपेक्टेशन होती है। जो ट्रांसप्लांट करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में एक इंसान को दूसरे व्यक्ति का बोन मैरो लेने में उस पेशेंट के ब्लड का डीएनए घटकर डोनर का डीएनए होता है, लेकिन उसी वक्त उसके बाल, स्किन और नाखून का डीएनए, जो पुराना डीएनए है वही रहता है। एक ही शरीर में दो डीएनए एग्जिस्ट करते हैं और इस तरह के पूरी दुनिया में केसेस बहुत ही रेयर होते हैं। मालविका के चॉकलेट रैपर में से हमें उसके पुराने सेल्स मिले थे। उसने हमें टेस्टिंग के लिए अपना नया डीएनए वाला ब्लड दिया और वो था डॉक्टर अल्फांसो कुरियन का लूप होल। डॉक्टर अल्फांसो कुरियन के स्किन सेल्स का डीएनए और बर्मा कॉलोनी के किलिंग वाले का डीएनए परफेक्ट मैच हो रहे हैं। उसे लॉक करने के लिए रॉक सॉलिड एविडेंस। आप चाइल्ड किलर हो ये बताने के लिए मुझे आपका इकबाल ही काफ़ी है। आज हम जेवियर्स किचन में देखने वाले हैं एक मैक्सिकन डिश कैन एडोवेडा। हाँ, देखते अब रहिए। मैं आगे बताऊंगा। हाँ। कट कर दिया। हेलो रितिका, क्या हुआ? सब सेट है ना? हाँ जेवी, यहाँ का सारा काम हो गया है। मैं राजीव सर से मिलकर निकलती हूँ। ओके, सी यू। ये लो, इसी को देने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये एक और अनसुलझे केस की फाइल है। तुम अभी 2 महीने तक अपने बच्चों के साथ वैकेशन पर हो, लेकिन जब मौका मिले तुम इसे पढ़ लेना। छुट्टी से आने के बाद मैं ये केस तुम्हें सौंप दूंगा। श्योर सर, आई कैन हैंडल दैट। थैंक यू। बट सर। यस। मुझे फोरेंसिक टीम से 2 लोग चाहिए सर। हेलो शिखा। यस मैम। एक नया केस है। ओके मैम। सैम फ्री है क्या? नहीं, वो अंदर है। ओके। इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, पूरी होने के बाद बुलाती हूँ। ओके परफेक्ट। ओके, टेक योर टाइम। ये कुरियन ही किलर है सैम। अगर ये बात तुम्हें पता थी तो पुलिस को बतानी चाहिए थी। नव्या को अब्डक्ट करने वाला, उबैद को खत्म करने वाला, बहुत सारे सवालों के जवाब हमने उसके मरने के साथ ही खो दिए। सर, जब मैं कार में बैठा था तब जिसे हम ढूंढ रहे थे वो किलर अल्फांसो ही है, ये मुझे पता चला। तुम्हें जो मारना चाहता था वो आदमी एक्सीडेंट में मर गया और तुम बच गए, ये बात हजम नहीं हो रही है। आपकी तकलीफ दूर हो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये 10 बार बोल चुका हूं सर कि स्ट्रगल के टाइम मेरा गाड़ी से कंट्रोल छूट गया और उसके बाद एक्सीडेंट में वो डॉक्टर अल्फांसो कुरियन मारा गया। सीट बेल्ट मैंने बांध कर रखा था इसलिए मैं बच गया। बस यही हुआ था। ऐसे सर, ये रहा मेरा रिटर्न स्टेटमेंट।